अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये दोपहर का टाइम है तो मैं यहाँ फ़िश फ्राई कर रही थी और साथ में दाल भी थी, चावल भी थे। तो फ़िश फ्राई करने के बाद ना आज मैंने एक जो स्टाइल से मैं खाती हूँ ना कभी कभी दाल के बग़ैर फ़िश जो है अपना चावल में मिला के और चाट का मसाला डाल के ना तो बड़ा ही कोई अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह कौन कौन खाता है मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मैं तो इस तरह से ना ज़रूर खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी ना चेंज भी खाना चाहिए और इसके साथ सैलेड हो ना तो और भी मज़ा आ जाता है। और यह है कि दाल चावल से तो वैसे भी मछली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ना जिस तरह से खाने का दिल चाह रहा था तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से खाया। और बाकी फिश जो है वो बच्चों ने दाल चावल के साथ खाई थी। तो बस खाना खा लिया था हमने दोपहर का, और शाम के लिए भी बनाना था क्योंकि शाम के लिए जो थी ना फिश इतनी ज़्यादा नहीं थी कि शाम में चल जाए। तो बस मैंने फिर शाम के खाने की तैयारी करनी थी। खाने के बाद पहले अपने दूसरे काम किए, नहाए धोए, मुनसिफ को नहलाया और फिर हम लोग सो गए थे। वैसे तो जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो दोपहर में ही दोनों टाइम का बना लेती हूँ। अगर दो डिशेस भी बनानी होती हैं तो भी दोपहर में ही बना लेती हूँ, और रात में नहीं बनाती ना। फिर रात में ही होता है कि कभी कभार कोई न्यू रेसिपी बनानी है तो फिर मैं उसके लिए शाम का टाइम लेती हूँ। तो बस आज जो है ना मैंने दोपहर में नहीं बनाया, मैंने तो अपने दूसरे काम निकाल लिए थे तो मैंने सोचा चले शाम में ही बना लेती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा बनाऊँगी ताकि ना अगले दिन भी जो है ना दूसरे दिन वो लंच में हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो बस ये मैं बना रही थी मटन दो प्याज़ा। मटन दो प्याज़ा और चिकन दो प्याज़ा जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, चाहे आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं या फिर चिकन में बनाएं। तो बस मैं यहाँ पर आज बना रही थी, बीफ का था। अपनी रेसिपी में बता चुकी हूँ इसलिए आपको दोबारा बताकर बोर नहीं करना चाहती। तो सब कुछ साथ डाल के चढ़ जाता है, इसमें ज़्यादा झमेले नहीं होते ना। लेकिन चिकन वाला जो है ना चिकन दो प्याज़ा वो ऐसे नहीं बनता, उसको बनाने का तरीका दूसरा है और बीफ़ और मटन में बनाने का तरीका दूसरा है। तो बीफ़ और मटन आप एक ही तरीके से बना सकते हैं। तो बस ये सब साथ डाल के चढ़ जाता है। मुझे बीफ़ मटन का ना बहुत आसान लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, मोटा मोटा आपने काट ली प्याज वगैरह सब कुछ डाल के साथ चढ़ा दिया और उसके बाद आप बाकी का काम कर लेते हैं। तो चिकन वाले में ऐसा होता नहीं है, चिकन वाले में थोड़ी सी मेहनत हो जाती है। खैर ये कि मैंने ज़्यादा बनाया था कि नेक्स्ट डे भी काम आ जाएगा, तो रात में मैं कोई रेसिपी बना लूँगी और वही हमारा रात का भी खाना हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है ऑनलाइन काम के बारे में शेयरिंग करूँगी कि उसना क्या काम करती हैं। और बहुत से मेरे फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को बता ही दूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं आप लोगों को जो है इंतज़ार में थी कि चलें तीसरे दिन टाइम निकाल के इसकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन बस मुझे मसरूफियत ऐसी चल रही थी, कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी कुछ मसरूफियत जो है ना बस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो बस आज मैंने फिर सोचा कि चलें मैं उसना को बोलती हूँ, वो आपके साथ शेयर करें कि वो क्या ऑनलाइन काम करती हैं और वो कितना रियल है और कितना फेक है, क्योंकि लोग ऑनलाइन काम को ज़्यादातर फेक ही समझते हैं। मैं सालन तो मैंने पका लिया था, गोश्त भी गल गया था और बस बाकी की चीज़ें जो रह गई थी मैंने दही गरम मसाला वगैरह डाल के इसको भून लिया था, लेकिन मैंने इसमें अभी तड़का नहीं लगाया था प्याज हरी मिर्च अदरक और साबुत लाल मिर्च का ना, क्योंकि मटन दो प्याज़ा या बीफ दो प्याज़ा में जो है इसका तड़का लगता है। तो मैंने सोचा जब खाना का टाइम आएगा ना उसी वक्त जो है तड़का लगा लूँगी और सालन भी उसी वक्त गर्म कर लूँगी। तो मैंने बस अभी इसको पका पको के इसको अच्छे तरह से भून के इसका ना चूल्हा बंद कर दिया था। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छा ये वाला सालन जो है ना इंतहाई टेस्टी बनता है। इसमें मज़े की बात यह है कि घर में कोई सब्ज़ी भी ना हो ना तो प्याज तो हर वक्त घर में मौजूद होती ही है, लेकिन मैंने ना थोड़े बड़े साइज़ की प्याज यूज़ करी थी रेसिपी में, लेकिन आज मैंने ना छोटी वाली प्याज डालकर ही इसको बनाया था। और बस मैं आखिरी वाली वीडियो का क्लिप नहीं ले सकी, तो मैं खैर है वो जो मेरी रेसिपी है
उसका लिंक मैं लगा दूंगी, तो वहीं आप जो है इसका फाइनल लुक भी देखेंगे और कंप्लीट रेसिपी भी आपको वहीं से मिल जाएगी। चाहे आप ये चिकन में बनाएं, चाहे बीफ में या मटन में, तो ये वाला मटन दो प्याज़ा जो है ना, ये इंतहाई टेस्टी बनता है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताती चल रही कि आजकल मैं ब्लॉग में भी नहीं आ रही, तो आप लोग सोच होंगे कि ये कहाँ पे है। और बेसिकली क्योंकि मैं दूसरे पे मेरी पढ़ाई भी होती है, तो उन सब में फिर मैं बिज़ी रहती हूँ ना। तो अभी तो मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया जिसमें जो प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से जो है ना हमारे फेसबुक वाले जो है फॉलोअर्स, उनके मैसेजेस आ रहे थे, मैं इसलिए उन्हें रिप्लाई भी नहीं कर रही थी कि मैंने कहा मैं थोड़ा टाइम जरा इस काम को देख लें हम, तो उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें सही लग रही है फिर ही हम आपको रिकमेंड करेंगे ना। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, रियल है, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं वर्किंग कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। आप लोग भी आकर वर्किंग कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इजीली यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, सही है। सो आप घर बैठे बैठे भी अर्न कर सकते हैं, सही। इसमें टाइम का भी कोई टाइम का भी कोई इशू नहीं ना, सब टाइम लिमिट भी नहीं है आपके, आप अपनी मर्जी से टाइम फ्रीडम अपना मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, उसके बाद आप इजीली काम कर सकते हैं। और तालीम की भी कोई उसमें कितनी एजुकेशन होनी चाहिए कुछ भी, तो और हर किस्म के हर एज के लोग कर सकते हैं, हर एज के लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि इस काम में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो चीज़ अच्छा देती है ना, इन्वेस्ट वहाँ करना चाहिए जहाँ से हमें रिटर्न हो रहा है, बिल्कुल, अच्छा खासा रिटर्न हो रहा है। आप लोगों ने बस मेहनत अच्छी करनी है, सब कुछ सिखाया जाता है, सोशल मीडिया हर काम में मेहनत है, जो काम ज्यादा फायदेमंद होते हैं ना, हाँ, उस काम में मेहनत होती है। और सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप कैसे जल्दी ग्रो करेंगे, कैसे यहाँ पे आपको सोशल मीडिया यूज करना सिखाया जाएगा, सोशल मीडिया को यूज करते हुए कैसे ग्रो करेंगे, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। इन्वेस्ट ना करें मतलब इसको हासिल की कह सकते हैं कि लाइसेंस परचेज करना है, बस सबका तरीका का अलग अलग होता है, टीम अच्छी होनी चाहिए। तो फॉर एवर की जो ये अलमुफ्लिहून की टीम है, जो पुष्णा की टीम है, ये माशाल्लाह बहुत बेस्ट है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद आइडिया समझ में आहिस्ता करके एक ब्रांड बनते जा रहा है, हर जगह अलमुफ्लिहून के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, आप लोगों ने कोई पैसा इसके लिए भरने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपने अपना लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। लेकिन लाइसेंस जो होते हैं, अगर आप अपनी बाइक भी ले रहे हैं या आप अपनी गाड़ी भी ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर अगर वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली आप रजिस्टर्ड भी तो हो ना, ठीक है, ये भी आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आप रजिस्टर्ड होंगे, आप रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो आपकी इनकम नहीं आ सकेगी, सही। So, सब काम प्रॉपर तरीके से होता है, कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ रियल है। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा जी, तो बस करना क्या है, करना ये है कि बायो में दी गई लिंक को बिल्कुल क्लिक करके फॉर्म फिल करना जी, उसके बाद हमारी जो टीम है उसमें से कोई भी पर्सन आपसे रब्ता करेगा, इंशाल्लाह आपको गाइड करेगा कम्प्लीटली, सही पे आप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और शाम में मैं हस्बैंड मामूल मीठा बना रही थी, आप लोग भी सोचते होंगे हम लोग मीठा कुछ ज़्यादा ही नहीं बनाते, तो बस क्या करें, मीठा के बगैर गुजारा नहीं है, मीठा जैसे ही ख़त्म हो जाता है ना तो मैं दोबारा से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो बस ये मैं सेवैयाँ बना रही थी काफ़ी टाइम बाद, और सेवैयों में ना मैं पता नहीं मैंने आपके साथ कौन कौन सी रेसिपी सेवैयों की शेयर की है, मुझे खुद भी याद नहीं है। तो खैर आज मैं सेवैयों में डालूँगी मिलाई, तो मिलाई डालकर भी ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आया था, और मैंने घी ना बहुत ही कम लिया था, और असली घी से ही मैंने इसको बनाया है, क्योंकि ना असली घी की जो खुशबू और जायका आप किसी भी चीज़ में डालें खास तौर पर मीठे में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। मैंने इसमें मिलाई शामिल की बिल्कुल लास्ट में, जब हम सेवैयों को दम पे रख रहे होते हैं, और जब मैंने घी कम डाला ना तो मैं सोची थी कहीं ये ख़राब ना हो जाए, लेकिन नहीं, आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बनी। मिलाई डालने के बाद मिलाई ने भी तो ऑयल छोड़ा ना घी, तो उससे बिल्कुल सेट हो गया, और टेस्ट कोई इतना आमदा जैसे कोई खोया या रबड़ी टाइप की चीज़ नहीं डाली होती, इस तरह का फ्लेवर बन रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो बस लास्ट मैंने इस पर जो है कटा हुआ नारियल डाल दिया था, मुझे तो इसमें ना भुनी हुई सेवैयाँ जो होती हैं इसमें कटा हुआ नारियल अच्छा लगता है। वैसे तो आप बादाम पिस्ते अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं,
और ये वाली सेवैयाँ भी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबको बहुत पसंद थी, खासतौर पर मुनसिफ को। मुनसिफ ना इसको सूजी समझ के खा रहा था, उसको सूजी का हलवा पसंद है, हलवे टाइप की चीज़ ऐसी पसंद है ना, तो उसके मूड का कुछ कह नहीं सकते कब क्या पसंद आ जाए। तो मुनसिफ को ना बहुत पसंद आया, तो ये मैं मुनसिफ को निकाल के दे दी उसको, बस बनते के साथ ही हो रहा था मुझे जल्दी से दे दो। और बस यहीं तक था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी और नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।